रखो ये यहाँ पे, और ये भी उठाओ चलो। कितना बुरा हाल हो गया इन सब चीजों का, सफाई नहीं करती हो बिल्कुल भी। भाजी, मैं इसी तरह तो सफाई करती हूँ। हाँ दिख रहा है तुम कितनी सफाई करती हो। इन्हें पहले साफ पानी से साफ करना अच्छी तरह, और फिर इन्हें लिक्विड में डाल के दोबारा साफ करना। जी भाजी, अच्छा ये बताओ, वो मेरे टॉवल्स आ गए लॉन्ड्री से धुल के, जी भाजी आ गए वो। उन्हें स्प्रे करके धूप में डाल देना दोबारा। जी और कुछ भाजी? और जाओ जाके कपड़ा लेके आओ, मेरे सामने सफाई करो, जाओ। अरे खाला आइए ना, वहां क्यों खड़ी है, बैठिए। बेटा, ये लॉन्ड्री से जो कपड़े धुलकर आते हैं, इन्हें दोबारा क्यों धुलवाती हो? आप वो दरअसल खाला, मैं उन्हें ना 24 घंटे के लिए धूप में डलवाती हूँ ताकि जरासीम निकल जाएं, और अपने टॉवल्स इसलिए दोबारा धुलवाती हूँ क्योंकि मुझे इत्मीनान नहीं होता। सफाई बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतना वहम मत किया करो। तुमने तो अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया है। नहीं खाला बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आदत है और मुझे ये सब मुश्किल भी नहीं लगता, बल्कि मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ। और अब तो बानो को भी मेरे मिजाज की आदत हो गई है, उसे सब पता है, मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ता। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। लेकिन बेटा, इंसान की जिंदगी में ना कभी कभार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि उसे अपने बनाए हुए सारे उसूल बेकार लगने लगते हैं, और उसे अल्लाह का कानून मानना पड़ता है। अल्लाह ने तो हमारी जिंदगी को बहुत सादा और आसान बनाया बेटा। खाला मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, आप ऐसा कीजिएगा लंच वक्त पे कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह इसे अकल दे। खुश रहो, आबाद रहो। खाला, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा की याद आ रही है, वो भी नमाज के बाद हमेशा इसी तरह दम किया करती थी। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे घर पे हैं। इस घर में रहमतें और बरकतें आई हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। अहमर कैसा है? नवीन आती है तो मैं उससे कहता हूँ आपकी वीडियो कॉल पे बात करवा दे। से दोपहर की निकली हुई है, नवीन अभी तक आई नहीं। उसकी दोस्त की छोटी बहन की शादी है, तो बस उसी के साथ शॉपिंग करवाने गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे नवीन जो है ना दिल की बहुत अच्छी है, बस एक बात पर काबू नहीं है उसका। जी मैं समझ गया खाला, लेकिन अब मुश्किल है, वो आदत बहुत पुख्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है बेटा? ये मैंने आपके लिए कुछ शॉपिंग की है, ये कुछ सूट हैं और ये आपकी नमाज की चादरें हैं। क्यों लिए बेटा? मेरे पास तो पहले ही बहुत कपड़े हैं। मुझे अच्छा लगेगा जब आप इसे पहनेंगी। बहुत प्यारा, कलर बहुत अच्छा लिया है तुमने, मेरी पसंद का। खुश रहो बेटा। शुक्रिया। अल्लाह वकार की रोजी में हमेशा बरकत दे। आमीन।